जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। तो बेटे, आज का आपने टाइटल देखा कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिन जिन एग्जाम्स के लिए ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसमें बताता हूँ। सबसे पहले आपका मदरसा कमीशन, उसका सिलेबस फॉलो किया है, ठीक है, जो आपकी सेकेंड यूनिट है। दूसरा ओपीएससी, तीसरा आपका यूजीसी नेट की लर्नर और लर्निंग प्रोसेस तो है ही है, फेक और यूपीएचएससी। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हालचाल है? एक बार ऑडियो वीडियो बता दें, क्लियर है? हेलो सुनीता, स्नेहा, धनंजय, रीना, एनी, शमीम, अनु, सत्यप्रकाश, नमस्कार भाई, आरपी, नमस्कार भाई, प्राइम, कौशलेंद्र, दीपाली, अंशिमा, गरिमा, आशीष श्रीवास्तव, पूर्णिमा जी नमस्कार, प्रणाम, राकेश नमस्कार, ज्ञानवती, शिव प्रसाद, प्रणाम राकेश, दीपा गुड इवनिंग, शमीम, मेघा, ब्रह्मदेव। एक बार बता दें, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटे। ठीक है, आज का अपना, आज की जो चर्चा रहेगी, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है, और समय थोड़ा हमको कम पड़ रहा है आजकल, तो सेशन को थोड़ा सा लंबा, जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा खींचेंगे। चलिए, एकदम सुपर्णा, राशि और बाकी जितने बच्चे और आएंगे, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्णा। ठीक है जी, जो भी अभिवादन, सभी को अभिवादन। ठीक है, तो अब शुरू हो रहे हमारे आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट घंटा। ठीक है बेटे, स्टार्ट करता हूं, इसी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां हम फैक्ट्स को डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है जी, सबसे पहला सवाल है, सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट पार्ट ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसकी चार स्टेजेस आपने पढ़ी है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा उसका हिस्सा नहीं है, कौन सा चरण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। नहीं है, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, पोस्ट फॉर्मल नहीं है, पोस्ट फॉर्मल नहीं है। अब पोस्ट फॉर्मल, आप में से बहुत से पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे, जीन पियाजे के ही कंटेम्परेरी, ठीक, जिन्होंने जीन पियाजे की स्टडी का क्रिटिक किया, इसके रिसर्च के डिजाइन को लेकर के, सैम्पलिंग को लेकर के, बाकी फाइंडिंग्स को लेकर के, किसी एक स्टेज का बहुत ज्यादा महिमा मंडन और किसी एक स्टेज को बहुत कम करके आंकना, इन्हीं पैरामीटर्स पर बहुत से थ्योरिस्ट ने जब इस थ्योरी का क्रिटिक किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ थ्योरिस्ट ने कि भाई पोस्ट फॉर्मल स्टेज भी होती है, लेकिन जीन पियाजे के नैरेटिव में कहीं भी पोस्ट फॉर्मल नहीं आती, लेकिन कुछ थ्योरिस्ट ने माना कि ये एक्सटेंड करती है बियॉन्ड जीन पियाजे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें एक एडवांस फॉर्म ऑफ रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है बालक के अंदर या एडोलसेंट के अंदर। ठीक है बड़े, क्लियर है इतनी चीज? ठीक है जी, सभी को नमस्कार, रूमा, पूर्णिमा जी, दीपाली, आशीष, शिव प्रसाद, गरिमा, स्तुति, प्रेमवदा, नमस्कार, राशि, अंशिमा, चलिए ठीक है, डन। हेलो के कृष्ण कुमार, गुड इवनिंग, डन विद दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एट व्हाट स्टेज ऑफ एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी डज अ चाइल्ड बिगिन टू असर्ट कंट्रोल एंड पावर ओवर देयर एनवायरमेंट। ध्यान से सवाल पढ़ना है, तभी उत्तर निकल पाएगा। एरिक्सन का जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास, किस चरण में बच्चा अपने वातावरण पर नियंत्रण और शक्ति जताना शुरू कर देता है? योर ऑप्शंस आर ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, जाहिर सी बात है बहुत सबसे पहली अवस्था ये तो होगी नहीं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, और मुझे इसका आपसे सही उत्तर चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एरिक्सन की थ्योरी के बारे में बात कर रहा है और आपसे उसने ये पूछा है कि बच्चा कंट्रोल एंड पावर ओवर देयर एनवायरमेंट बिगिन टू असर्ट, ठीक, जताना शुरू कर देता है, जताना, आंसर करें, डी कह रहे हैं, डी पर मैं सबसे पहले काटा मार रहा हूं, डी आंसर नहीं है श्रीमान जी। उसने पूछा सबसे पहले, ये जो स्वायत्तता शब्द लिखा हुआ किस लिए लिखा हुआ है भाई, ये देखो सब डी कर रहे हैं, लगाओ एक एक रैपट अपने खुद। ठीक है जी, देखिए एरिक्सन की जो सेकंड स्टेज है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट,
आप भी वही गलती कर रहे हैं जो जीन पियाजे ने करी है, समझ रहे हैं आप? आप उस अवस्था के बच्चे को बहुत कम करके आंक रहे हैं श्रीमान जी, ठीक है जी। नाउ शेम एंड डाउट इट अकर्स रफली बिटवीन द एज ऑफ 2 and 3 years। अब इस स्टेज में चाइल्ड बिगिन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से ही आ रहा है कंट्रोल ओवर चॉइसेस। आप देखो ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, चॉइस ओवर फूड। उसकी खिलौनों की प्रीफरेंस है भाई, उसे नहीं खेलना तुम जो लाए 10,000 का वो मैकेनिक, उसे बाल्टी बजानी है डंडा लेकर के, अंडरस्टूड? उसकी क्लोथिंग की अपनी चॉइस है, राइट? एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। नाउ सक्सेसफुल नेविगेशन ऑफ दिस स्टेज लीड्स टू अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, और अगर फेलियर होता है तो रिजल्ट होता है फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलिए स्क्रीनशॉट मार लो इसका, नेक्स्ट पर आ जाओ। विच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न विद चाइल्ड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर इमोशंस एंड टू एस्टैब्लिश पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स? आंसर पकड़े जरा फटाफट। अर्चना नमस्कार। जी ठीक है, कल बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा होमवर्क किया, बाकी उन्हें जो पढ़ा उनके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, कल की वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक है? प्रियंका नमस्कार, गुड इवनिंग बेटे, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ जी, सवाल देखें, कौन सा विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से एक बच्चे की भावनाओं को समझने, प्रतिबंधित करने की क्षमता, दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध? बहुत ईजी है भाई, ऑप्शन देखो ना, कॉग्निटिव होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। दिक्कत तब आती जब इमोशनल अलग लिखा होता, सोशल अलग लिखा होता, समझ में आ रही चीज? लेकिन इस सवाल के लिए उत्तर तब भी संवेगात्मक विकास होता, ठीक है जी। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इज द एरिया दैट फोकस ऑन ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशंस, टू एम्पेथाइज विद अदर्स, टू फॉर्म हेल्दी रिलेशनशिप, राइट? अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? मैनेजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज एंड बिल्डिंग स्किल्स लाइक कोऑपरेशन, थिंकिंग, शेयरिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ना? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इन्फेंसी स्टेज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार शिशु अवस्था के दौरान विकास का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित होता है? प्राइमरी फोकस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी, मॉरल, सोशल, फिजिकल, सेंसरी या एब्स्ट्रैक्ट? अगेन बहुत आसान सवाल, बताइए जल्दी से, ठीक है? इवनिंग में कम्युनिकेशन की क्लास थी, पेपर वन की, आप में से जिस जिसकी, क्योंकि मैं नाम देख रहा हूं क्लास में नहीं थे, क्लास को जाकर के अटेंड कर लेना बेटा, ठीक है जी। हां जी, इट इज सी ऑफ कोर्स, फिजिकल एंड सेंसरी मोटर स्किल्स, इन्फेंसी के दौरान, शैशवावस्था के दौरान प्राइमरी फोकस डेवलपमेंट का वो फिजिकल ग्रोथ और आपका डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी, क्योंकि सेंसरी मोटर बोलते ही इसलिए क्योंकि सेंसेस ही उसका ब्रेन है, है ना, उसी के द्वारा उसको अच्छे बुरे हर एक चीज का ज्ञान होता है, ठीक। इस स्टेज में क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं, अब जरा माइलस्टोन्स पर भी जरा बता दीजिए, क्या क्या माइलस्टोन्स बच्चा पूरा कर लेता है इस स्टेज में? रोलिंग ओवर, ठीक है, क्रॉलिंग एंड इवेंचुअली वॉकिंग, राइट। सेंसरी डेवलपमेंट्स में साउंड रिकॉग्निशन और विजुअल ट्रैकिंग, ध्यान रखिएगा। Which theory of development emphasizes the role of social interaction in cognitive development? विकास का कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका पर जोर देता है? Behaviorism, psychoanalytical theory, cognitive development theory या socio-cultural theory? Socio-cultural theory, जी नाम से ही पता आना चाहिए आपको, right?
और किसकी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये भी बताएं जरा। अब देखें बड़े गजब की बात, इससे पहले के जो हमारे सवाल थे ऐसी थ्योरीज पर थे जिनको हम डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी बोलते हैं, ध्यान रखना अवस्था में बटी हुई थ्योरीज। और कई बार एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अवस्थाओं में बटी हुई जो थ्योरीज हैं, चाहे वो जीन पियाजे की है, चाहे एरिक्सन की है, चाहे मनोलैंगिक सिद्धांत है आपका सिगमंड फ्रॉइड का, जब चरणों में बटी हुई होगी कोई भी सिद्धांत आप समझ लीजिए उसके पीछे बेसिक अजम्पशन ये है कि वो डिसकंटिन्यूएशन को फॉलो कर रही है, नॉट कंटिन्यूएशन। राइट, एग्जाम में हम गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटे। चलिए जी श्रीमान जी, सोशियो कल्चरल थ्योरी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक चीज बेटा और समझो, हम एरिक्सन, बैंडूरा और वाइगोत्स्की सबको सोशल थ्योरी करके बोलते हैं, ये सबसे गलत बात है, पढ़ते समय भी और जब पढ़ाओगे तब भी। हर एक थ्योरी, बैंडूरा, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, तीनों अलग अलग हैं, तीनों के नाम अलग अलग हैं और उस थ्योरी में वो नाम दिख रहा है, समझ में आई चीज। वाइगोत्स्की के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अकेला वाइगोत्स्की है जो ये कहता है कि बच्चा अपने सामाजिक दायरे में होने वाली चीजों से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, समझ में आई चीज। घर में मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बड़ा आसान उदाहरण लीजिए कि भाई घर में मौसी आती है और घर में बुआ आती है, इनके साथ में जो ट्रीटमेंट ये जो आभा मंडल घर में लेके आते हैं, उस दौरान घर में किसकी चल रही, किसकी नहीं चल रही है, किसको ज्यादा इज्जत मिल रही है, यकीन मानिए वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के हिसाब से बच्चा इससे दुनियादारी के बहुत सारी चीजें सीख जाता है, समझ में आई चीज। चलिए नेक्स्ट पे चले। Which stage of Lawrence Kohlberg theory of moral development is characterized by acceptance of social rules and laws? अब Lawrence Kohlberg की आपने जो कई अवस्थाएं, अब मैं ना तीन कहूंगा ना छह कहूंगा क्योंकि इस पर भी सवाल है बेटा, ठीक है, इस पर भी सवाल है कि तीन है कि छह है, ठीक। वो पूछ रहे Lawrence Kohlberg की कौन सी अवस्था है जिसमें, किस चरण में सामाजिक नियमों और कानूनों की स्वीकृति के द्वारा बच्चे की नैतिक तर्कणा सुनिश्चित होती है, बताइए भाई। सुखपाल राम राम, गुड इवनिंग। जी प्री कन्वेंशनल, शुक्र है अभी सिर्फ इन्हीं के नाम लिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तो खैर इसका है ही नहीं, ये बताएं कौन से स्तर पर। भाई भूल गए हो क्या सब कुछ, फिर से मैं आपको सवाल समझा रहा हूं। विच स्टेज ऑफ Lawrence Kohlberg थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज बाय एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स एंड लॉज, सोशल रूल्स एंड लॉज। एट दिस लेवल और एट दिस स्टेज और सब स्टेज इंडिविजुअल बिगिन टू इंटरनलाइज सोसाइटल नॉर्म्स लॉज, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन कंफर्मिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। रूमा बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर है। नहीं बेटे, बेटे पोस्ट कन्वेंशनल और जो लेवल सिक्स है वो तो नैतिकता की चरम सीमा है, वो तो विवेक पर आधारित है, ये वो है जिस समय बच्चा एडोलसेंट हो रहा है, आपने देखा गलियों से स्कूटर लेकर के निकलता है, छुपता है, पुलिस वाले से बचता है, घर आके बोलता है देखिए हम बचा लाए, चलान नहीं भर के आए, अंडरस्टूड। यही है वो अवस्था है जिसमें बच्चे को वोटिंग का राइट मिलना शुरू होने वाला होता है, अंडरस्टूड। तो
तो ये छठा कैसे पहुंच गया, तीसरी अवस्था कैसे पहुंच गई भाई? अरे कन्वेंशनल होना चाहिए। ओ जीसस, किताबों को ना दोबारा खंगालना शुरू कर दो, ठीक है। एक बार एक बहुत ही महान और सफल आदमी से किसी ने पूछा कि भाई आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। उसने कहा व्हाट? उसने कहा आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? उसने कहा हैं? उन्हें लगा शायद इसे समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने सोचा हिंदी इसको समझ में आएगी। उन्होंने कहा आप अपने आप को प्रतिपुष्टि कैसे देते हैं? उसने कहा फिर भी वही बात, उसने कहा अगर कुछ करना है तो करना है, मैं ये मानता हूं, इफ समथिंग हैज टू बी डन इट हैज टू बी डन। क्या जाम आई है मोटिवेशन का भाई, ठीक है। ये बैसाखी है फालतू की, मोटिवेशन नहीं आ रही है, मोटिवेशन नहीं आ रही है। फिर मोटिवेशन देखने के लिए हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फिर वहां पर 50-60 वीडियो में एक दो वीडियो होती है कोई मोटिवेशन की, बाकी तो वही चल रही होती है, हाय गर्मी हाय गर्मी, समझ रहे हो। चलिए आ जाइए वापस, डन है, किताबें खोलो, देखो इस टॉपिक को दोबारा। हां जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस टिपिकली अकर्स फर्स्ट ड्यूरिंग एडोलसेंट। सवाल को समझें, इन चार पांच ऑप्शंस में से सबसे पहली चीज किशोरावस्था में होने वाली कौन सी है, ठीक है। किशोरावस्था के दौरान कौन सा शारीरिक परिवर्तन सबसे पहले होता है, मान लिया चलो चारों होते हैं लेकिन सबसे पहले कौन सा होता है? जी ग्रोथ स्पर्ट, वृद्धि, वो शारीरिक वृद्धि, फुल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्लीशन ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले ये पूछा है। सबसे पहले वृद्धि, ठीक है, अचानक ग्रोथ स्पर्ट होती है, राइट। ड्यूरिंग एडोलसेंट द फर्स्ट नोटिसेबल फिजिकल चेंज यू विल नोटिस इज ग्रोथ स्पर्ट विच इंक्लूड रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ठीक है। इसके बाद में फुल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्लीशन ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, राइट, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बिफोर एडोलसेंट हो जाता है, समझ में आई चीज, ठीक है। चलो, इन प्याजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच स्टेज इन एडोलसेंट एसोसिएटेड विद, कौन सी अवस्था इन चारों में से जिसको आप एडोलसेंट से एसोसिएट करते हैं? पीजीटी के अधिकतर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आप एसएसबी उठाएं, उड़ीसा का उठाएं, ओपीएससी लें, पिछला वाला लें, आप त्रिपुरा का पीजीटी लें, वेस्ट बंगाल का लास्ट ईयर का पीजीटी लें, ठीक है जी। अधिकतर ये पूछता है इस सवाल को घुमा घुमा के, ये भी हो सकता है कि इस बार वो ये पूछ ले कि भाई ये जो नई शिक्षा नीति में जो ये 10+2+3 की जगह जो नई चीज आई है इसमें कौन सी अवस्था है जो फॉर्मल ऑपरेशनल से रिलेटेड है, अंडरस्टूड, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, फाउंडेशन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एडोलसेंट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, डी इज योर करेक्ट आंसर। शुभ प्रसाद, जो जो बता रहा हूं बेटे ध्यान से समझते जाना, राइट। एंड वेन एवर आई से कि यू नीड टू डू, हर एक क्लास में इस चीज को रिवाइज कर लेना, तो बेटे उसको करते चलो, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन इन एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। कौन सी अवस्था, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, मैं देखना चाह रहा हूं आप क्या समझते हैं इसका मतलब। एरिक्सन के सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? द चैलेंज ऑफ टॉडलर्स टू असर्ट इंडिपेंडेंस, ये तो नहीं होगा, टॉडलर कहां से आ गया उसको,
उस अवस्था में तो बेसिकली नहीं आया। एडोलसेंट स्ट्रगल टू फॉर्म ए पर्सनल आइडेंटिटी, द एडल्ट्स एबिलिटी टू फॉर्म इंटीमेट रिलेशनशिप्स, द चैलेंज ऑफ मिडिल एडल्टहुड टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। व्हाट इज द आंसर बी सी और डी में से? नाइस, ठीक। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, नाइस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दैट डेवलप्स ड्यूरिंग एडोलसेंट, इफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड इंपल्स कंट्रोल। आया हुआ क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल पीजीटी और त्रिपुरा पीजीटी। अगर हल्की सी बायोलॉजी ध्यान आ रही है आपको, जीव विज्ञान, ठीक है, आंसर करें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है क्या बेसिकली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा है, फिर मैं आपको बताऊं साइनेप्टिक प्रूनिंग क्या होती है। दिनेश, सुपर्णा, शिवप्रसाद, दीपा, मेघा, प्रेमविदा, जॉली, रीता, एक बना दे। साइनेप्टिक प्रूनिंग, माइलिनेशन, न्यूरोजेनेसिस, हार्मोनल सर्ज। नहीं पता है कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो देखो हार्मोनल सिस्टम थोड़ा बहुत आइडिया होगा, है ना, ग्लैंड्स। चलिए, साइनेप्टिक प्रूनिंग इसका बेटे करेक्ट आंसर है, ठीक है। साइनेप्टिक प्रूनिंग आप वेस्टर्न लिटरेचर उठा के देखेंगे तो कई बार 2 से लेकर 10 साल तक का वो लिखा हुआ है, लेकिन आपको मालूम है कि जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जेनेटिक्स के हिसाब से डिपेंड करते हैं। साइनेप्टिक प्रूनिंग इज द प्रोसेस इन विच द ब्रेन रिमूव्स द न्यूरॉन्स एंड साइनेप्सिस दैट इट डज नॉट नीड। जिनकी आवश्यकता नहीं होती है ऐसे न्यूरॉन्स और ऐसे साइनेप्सिस को ब्रेन उनकी सफाई करता है। करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स और साइनेप्सिस होते हैं, ये आपको मालूम ही है, ठीक है जी। द ब्रेन कंटेन्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। ये तो पता है ना, इतनी बेसिक, ठीक है। जो तुक्का लगा, ठीक है जी। नहीं बेटे, कई बार अगर आपने कभी यूजीसी नेट साइकोलॉजी, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, कि मैं साइकोलॉजी भी स्टार्ट कर दूं, बट आई हैव ट्रेन्ड इन ऑफलाइन मैनी स्टूडेंट्स फॉर एक यूनिट पूरी की पूरी सिर्फ बायोलॉजिकल, बल्कि रादर 1.5 यूनिट सिर्फ बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है बेटे, समझते हैं। अब देखिए एडोलसेंट में क्या होता है, ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है जी, इट अंडरगोज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और उस डेवलपमेंट में साइनेप्टिक प्रूनिंग भी शामिल होती है, ठीक है, विच इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वीकर साइनेप्टिक कनेक्शंस व्हाइल स्ट्रेंथनिंग अदर्स। ये तो आप जानते ही है कि हमारी, हां अभी विस्मृति से ध्यान आया, स्मृति और विस्मृति पर भी आज क्वेश्चन है बेटे, ठीक है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, क्योंकि वो इन बच्चों के सिलेबस में है, ठीक है। आगे चलें, आप एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंपैक्ट ऑफ पीयर रिलेशनशिप्स ऑन एडोलसेंट डेवलपमेंट। कौन सा कथन है जो कि, कौन सा कथन है जो कि किशोर विकास पर सहकर्मी संबंधों के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, और वो सहकर्मी नहीं है बेसिकली, वो पीयर की बात कर रहा है, वो आपकी टोली की बात कर रहा है, राइट। रीड इट एट इंपैक्ट ऑफ पीयर रिलेशनशिप्स, राइट।
पीयर रिलेशनशिप हैव लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑन एडोलेसेंट पीयर रिलेशनशिप प्राइमरी इन्फ्लुएंस फिजिकल डेवलपमेंट पीयर रिलेशनशिप आर क्रूशियल फॉर डेवलपिंग सोशल स्किल्स एंड आइडेंटिटी हिंडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसा तो नहीं है तो सबसे आसान सवाल आसान या मोस्ट एप्रोप्रिएट जो होगा बेटे वो ये होगा ठीक है क्लियर है इतनी चीज किसी विशेष प्रवचन की आवश्यकता नहीं इस सवाल में ठीक है चलो नेक्स्ट पर आ जाओ विच कॉग्निटिव एबिलिटी टिपिकली डेवलप्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड इज क्रूशियल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स किशोरावस्था के दौरान आमतौर पर कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है जटिल समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण होती है कॉन्क्रीट रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन या सिक्वेंशियल मेमोरी ऑफकोर्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या हाइपोथेटिकल थिंकिंग ठीक कौन सी अवस्था ड्यूरिंग एडोलसेंस राइट अच्छा भाई 60 और 38 वाले बच्चे ठीक है आपकी ईटी की यूनिट शुरू करूं एक दो दिन में आप पहले टेस्ट निपटा लीजिए आपको मैसेज जाना आज व्हाट्सएप एपीआई में थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए आपको मैसेज नहीं जा पाया ठीक क्लियर है बेटे डन है इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं नेक्स्ट पर आ जाइए व्हाट डज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस टू फैक्टर थ्योरी रूमा सिलेबस आपने देखा होगा तो सिर्फ इंटेलिजेंस की यही थ्योरी आपके एग्जाम में बेटा पूछी गई है ठीक है तो हमारी जो चर्चा आज की होगी वो टू फैक्टर थ्योरी पर होगी ठीक है जो सवाल होंगे और ठीक है टू फैक्टर थ्योरी बिग फाइव थ्योरी राइट पर्सनालिटी की तो करो जरा स्पीयरमैन की थ्योरी है पढ़ाई आप सबको है डिटेल में जिस भी कोर्स में शिक्षा शास्त्र के आप हैं मेरे पास डिटेल में पढ़ाई हुई है ठीक है बुद्धि का दो कारक सिद्धांत जी और एस एक सामान्य और एक विशिष्ट ठीक है इंटेलिजेंस इज सोलली डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस इज कंप्राइज ऑफ बोथ जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज इमोशनल एंड सोशल स्किल्स आर ओनली कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस इस कंपोनेंट्स पर भी बात आएगी मैं चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि एग्जाम में आप चारों ऑप्शन पढ़ के उत्तर करें अति उत्साह में नहीं अरे यही है यही बताया था ठीक है चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक फैक्टर नॉट ए स्पेसिफिक फैक्टर इन स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस न्यूमेरिकल एबिलिटी स्पेशल रीजनिंग क्रिएटिव थिंकिंग इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफकोर्स द आंसर इज ऑब्वियस उसने पूछा है नॉट ए स्पेसिफिक फैक्टर इन स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जितने भी नए बच्चे हैं चैनल पर मुझे मालूम है आपको बहुत मुश्किल से मिला है चैनल बहुत धक्के खाका के आप इधर तक पहुंचे हो बेटे तो आपका स्वागत है एजुकेटर्स प्लस परिवार में एक थोड़ा सा काम करो तुम्हारे बाद में जो आने वाले हैं तुम्हारे जो यार दोस्त हैं उनमें शेयर कर दो ताकि उनकी यात्रा थोड़ी सी आसान हो जाए ठीक है हां जी इमोशनल चलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की बात चली है तो किसका कॉन्सेप्ट है ये बताएं जरा मैं जानना चाह रहा हूं आपसे किसका कॉन्सेप्ट है ये जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कितने प्रतिशत हैं जो डेनियल गोलमैन तक ही जिनकी सोच सीमित है ठीक है ये देखा शमीम कर दी ना गड़बड़ बेटे
मारूंगा रैपिड फोन में घुस के। तो सलाई और मेयर ने क्या किया भाई? डिंट आई टोल्ड यू सलाई एंड मेयर? नहीं पढ़ा सलाई एंड मेयर? कर लो तुम पहले, कर लो। हाँ कृष्ण बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा कृष्ण। हाँ कर लो पहले ये सारा कर लो। बस यही है, ये पता चल गए सारे बच्चे। वो भी नहीं है, हाँ बेटा वो ही है पहले, पीटर सलोई एंड मेयर, राइट। जो जो गोल्डमैन कह रहे ना ये सब मोटिवेशन वाले बच्चे। और आप में से कईयों का नेट उस टाइम हुआ है, ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था सलोई एंड मेयर। एनीवे डिसअपॉइंट किया आपने मेरे को, ठीक है, बहुत नाराज हैं हम अपने आप से। नेक्स्ट पर आइए। हाउ डज द जी फैक्टर? अच्छा मेरा ऐसा ही पूछने का मन कर रहे हैं, तुम में से कौन है जिसकी फोन की स्क्रीन टूटी हुई है, जो टूटी हुई स्क्रीन पर पढ़ाई कर रहा है? टूटी हुई स्क्रीन मतलब मोबाइल की। हाँ जी, हाउ डज द जी फैक्टर इन स्पीयरमैन थ्योरी रिलेट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस? स्पीयरमैन के सिद्धांत में जी कारक बुद्धि में जी। अरे तुमको जो नोट्स दिए नोट्स में भी लिख के दिया हुआ है सलोई एंड मेयर। अगर मैं ये कहूं कि मैं भूल गया मैंने नहीं पढ़ाया था, स्पीयरमैन के सिद्धांत में जी कारक बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर से कैसे संबंधित है? चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। हाउ डज द जी फैक्टर इन स्पीयरमैन थ्योरी रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस? करो ज्यादा ही लाल हो गया सारा। चलो बेटा बताओ, कोई बात नहीं भूल जाओ उसको। कोई बात नहीं, लगे रहो, यही मैं जानना चाह रहा था। और देखो सबसे ज्यादा यही बच्चे रेगुलर रहते हैं। अब समझ में आ रहा है रियल मोटिवेशन क्या है बेटे? तभी मैं कहता हूं मेरी बातें कुछ समय बाद में समझ में आएंगी, मैं वक्त से थोड़ा आगे चल रहा हूं। ये है मोटिवेशन, ठीक है, अंशमा के लिए, दिनेश, प्रेमवदा, ठीक है। अब ये नहीं कि अपना तोड़ मारो। इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू वेरिएशन इन जी अलोन, रीड एवरी स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट जी इज इररिलेवेंट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। It acknowledges that G contributes to individual differences alongside specific abilities. It argues that individual differences are solely determined by specific and not G. Correct answer. इसको note कर लो, कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, कभी इससे related question गलत नहीं होगा। इंटरव्यू में भी पूछा, आप समझा पाएंगे, बता पाएंगे दैट जी कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड ऑफ कोर्स विद स्पेसिफिक एबिलिटीज। एक सामान्य मान्यता है एकेडमिक डिस्कोर्सेज में कि भाई सिर्फ एस फैक्टर्स S1 S2 S3 यही हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट का कारण है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है,
ठीक है जी, नेक्स्ट पर आ जाइए. विच साइकोलॉजिस्ट इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. अब देखिए ये होती है सिक्वेंसिंग. ये सवाल हमको पहले रखना था, रखे सबसे लास्ट में. आंसर है चार्ल्स स्पीयरमैन. ठीक, चार्ल्स स्पीयरमैन. ठीक है बेटे, स्पीयरमैन की थ्योरी है, इसी पे सवाल कर रहे थे इतनी देर से. ठीक, स्पीयरमैन डन. अच्छा, इस थ्योरी ने बहुत सारी आगे आने वाली थ्योरीज के लिए फाउंडेशन का काम किया. राइट, पहली बार नेचर ऑफ इंटेलिजेंस पे चर्चा हुई. राइट, व्हाट डज जी फैक्टर इन स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी प्राइमरीली रिप्रेजेंट. सामान्य कारक का मतलब क्या है? जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस दैट अप्लाई अक्रॉस डिफरेंट कॉग्निटिव टास्क, स्पेसिफिक वर्बल स्किल्स, एबिलिटी इन क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. बताइए जी, ये है क्वेश्चन नंबर 17. जी का मतलब क्या है? जनरल इंटेलिजेंस दैट अप्लाई अक्रॉस डिफरेंट कॉग्निटिव टास्क, विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों में लागू होने वाली सामान्य बुद्धि. राइट, हाउ डू स्पेसिफिक एबिलिटीज एज फैक्टर्स इन स्पीयरमैन थ्योरी डिफर फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस. स्पीयरमैन के सिद्धांत में विशिष्ट क्षमताएं जो इसको हम एस कारक बोलते हैं, उससे कैसे भिन्न है? अरे मैंने आपको यह भी समझा है कि S1, S2, S3 कई स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको बाइंड करने का काम G फैक्टर करता है, और उन डिफरेंट S फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन कितना है. ठीक है, S फैक्टर आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन G फैक्टर. S फैक्टर्स रेफर्स टू एबिलिटीज स्पेसिफिक टू सर्टेन टास्क, व्हाइल G रिप्रेजेंट ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटी. करिए डिफाइन, करिए कॉन्सेप्ट रिफाइन हो जाएगा इससे. ठीक है जी, एस फैक्टर एंड जी फैक्टर आर इंटरचेंजेबल टर्म्स. नो, द जी फैक्टर इज लेस स्टेबल देन एस फैक्टर्स ओवर टाइम. आंसर में बी आ रहा है कहीं पर. के आरपी, स्तुति, शुभश्री, गरिमा, रीता, शमीम, जॉली, सुपर्णा, अर्चना, राकेश दुबे जी, ज्ञानवती, रूमा, दीप, दिनेश. चलो बेटा सबका ठीक है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन साइकोलॉजी. चलिए ठीक है, पर्सनैलिटी पर आगे भाई, पर्सनैलिटी पर आगे चलिए करिए. हमको ऑन एन एवरेज 2 मिनट लग रहे हैं एक सवाल में, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ रहा है और आपके आंसर भी पढ़ने पड़ रहे हैं. अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, a consistent pattern of thoughts, feelings, behaviors unique to an individual, the impact of social interactions on individual behavior, the role of genetics in determining human behavior. हमको तो कुछ ना कुछ हर एक में ही आप बताइए. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या ढूंढना है? द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन डिटर्मिनिंग ह्यूमन बिहेवियर, आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी दोनों चीजें शामिल होती हैं किसी की भी पर्सनैलिटी में, चाहे हम ट्रेट की बात करें चाहे हम टाइप की बात करें, दोनों में कॉमन है ये चीजें. ठीक है जी, अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स यूनिक टू एन इंडिविजुअल, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और आपके सेकेंडरी ट्रेट्स. ट्रेट थ्योरी, टाइप थ्योरी भी इन्हीं की बात करती है. राइट, एवरी थ्योरी. ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज अ यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल. जहां भी लिख रहे हो, रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सेस टू लाइफ सिचुएशंस.
ये है पूरी डेफिनेशन, राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ, विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी फोकसेस ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स दैट मेक अप एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। बोलो, देखो पिछले वाले सवाल से ही रिलेटेड, ठीक। जिनकी हमने अभी बात करी थी स्पेसिफिक स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स, वही ट्रेट है, वही विशेषक है, ठीक है, ठीक। और अकेला ऑलपोर्ट ही नहीं, ऑलपोर्ट को तो माना ही जाता है बेसिकली, बट इसके बाद के, ठीक है। Many trait theorists argue that these personality traits are relatively consistent over time and across situations. ठीक है, जितने भी विशेषक या लक्षण सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि ये व्यक्तित्व के जो लक्षण हैं समय के साथ विभिन्न स्थितियों में अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं, स्थिर और अस्थिर पर मत टिक कर देना, ठीक है। Which personality trait from the big five? देखो big five आपके कई exams के syllabus में है, कई के में नहीं है, लेकिन पढ़ के जाओ, ठीक है। UGC NET में big five पर मुझे नहीं लगता कभी कोई question आया। हाँ, पहले जब paper 2 और 3 हुआ करते थे, 2 में only 50 questions आए थे, तब कभी एक आध बार big five theory पर question आया, ठीक है। But समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स मॉडल रेफर्स टू द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस एंड स्ट्रेस। बिग फाइव पर्सनालिटी लक्षण मॉडल से कौन सा व्यक्तित्व लक्षण नकारात्मक भावनाओं और तनाव का अनुभव करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है इनमें से? अगर आपको सिर्फ हिंदी भी आती है या इंग्लिश भी आती है तो भी आप चूज कर सकते हैं, खुलापन, कर्तव्य निष्ठा, बहिर्मुखता या न्यूरोटिसिज्म। नेगेटिव की बात कर रहा है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। न्यूरोटिसिज्म वन ऑफ द बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रीट। क्या मतलब है न्यूरोटिसिज्म का? टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, राइट, एंड रिस्पोंड वेरी पुअरली टू स्ट्रेस, राइट। हाई लेवल्स ऑफ न्यूरोटिसिज्म आर एसोसिएटेड विद इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं, दे आर मोर प्रोन टू डिस्ट्रेस, दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, राइट। भावनात्मक अस्थिरता और तनाव के प्रति अधिक संवेदनशीलता से जुड़े होते हैं, ठीक। चलो एक क्लियर हो गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेट थ्योरी व्हाट डज द टर्म कार्डिनल ट्रेट रेफर टू? बताइए कार्डिनल ट्रेट का क्या मतलब है विशेषक सिद्धांत में? ट्रेट्स दैट आर कॉमन अक्रॉस ऑल कल्चर एंड सोसाइटी, सब में पाए जाते हैं कार्डिनल ट्रेट, बताइए। ट्रेट्स दैट डोमिनेट एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स। माइनर ट्रेट्स दैट ओनली अपीयर इन स्पेसिफिक सिचुएशन। ट्रेट्स दैट आर लर्न रादर देन इननेट, मतलब जो आप अपने बायोडेटा में लिखते हैं। लेकिन कार्डिनल बताइए, ठीक है प्रकाश, प्रियंका
कृष्ण स्तुति रूमा गरिमा। ठीक है जी, मोनिका चौहान करेक्ट है बेटे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वन ऑफ द बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कौन सा बिग फाइव व्यक्तित्व लक्षणों में से एक नहीं है? एग्रीएबलनेस, ऑप्टिमिज्म, कॉन्शेंटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा, सहमति, आशावाद, कौन सा बिग फाइव में नहीं है? राइट जी, राइट गरिमा। ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, अच्छा हमारी भी सुन लो। बिग फाइव के पांच नोट करो जरा। ज्ञानवती बहुत बढ़िया, शाबाश, नोट करो, आने चाहिए। ओपननेस है, कॉन्शेंटियसनेस है, एक्स्ट्रावर्जन है, एग्रीएबलनेस है, न्यूरोटिसिज्म है, हो गए पांच। कौन सा नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ी भी नहीं है इतनी डिटेल में। ठीक है जी, बिग फाइव व्यक्तित्व लक्षणों में से कौन कौन से पांच हैं? ओपननेस, खुलापन, कर्तव्यनिष्ठता, बहिर्मुखता, सहमति, न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, आशावाद व्यक्ति के दृष्टिकोण या नजरिए के एक हिस्से के रूप में माना जा सकता है, मुख्य व्यक्तित्व के लक्षण के रूप में नहीं। ठीक है, डन। व्हाट डज द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी प्राइमरीली फोकस ऑन, किस पर केंद्रित है बताइए। अब ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस वर्ड ऐसे हैं कि ये गलत करा देते हैं। ठीक है, करो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनकॉन्शियस मोटिवेशन एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अचेतन प्रेरणाएं और बचपन के अनुभव, अच्छे या बुरे, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर ऑन पर्सनैलिटी, आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग स्टेबल करेक्टरिस्टिक्स, मैंने क्या कहा था, स्टेबल और रिलेटिवली स्टेबल। ठीक है, रिलेटिवली स्टेबल। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू लर्निंग एंड एडाप्टेशन, जो हम कई बार लर्निंग थ्योरिस्ट के नाम आप देखते हो ना पर्सनैलिटी में जुड़े हुए, वो इसी वजह से लिखे होते हैं चौथे ऑप्शन के वजह से, बट इरेलेवेंट है इस क्वेश्चन में। द करेक्ट आंसर इज सी और बी, बोलो जल्दी से। आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग स्टेबल करेक्टरिस्टिक इन इंडिविजुअल्स, राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ, विच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर प्रपोजिंग द फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, अब जिस पे हमने इतने सवाल कर लिए ये भी बता दो कौन था इसके पीछे। ठीक, गोल्डबर्ग, यंग, सिगमंड फ्रॉयड, रेमंड कैटल, फाइव फैक्टर पंचकारक मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी प्रस्तावित करने वाले मनोवैज्ञानिक बताएं।
अरे कोई बात नहीं दिनेश, लिस गोल्डबर्ग इज नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इसी को हम बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स बोलते हैं। पांच ब्रॉड डायमेंशंस, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रेबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठता, बहिर्मुखता, सहमति, न्यूरोटिसिज्म, खुलापन। डन, नेक्स्ट पर आ जाओ। विच प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद एडवर्ड ली थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग? चलिए अच्छा, बाकी तीन को जानते हो, ठीक है, राइट जी। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लॉ ऑफ इफेक्ट, इनसाइट लर्निंग। हाँ, उनका भी आता है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट क्या बोला कि उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है लुईस गोल्डबर्ग का, राइट। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट ऐसी चीज है भाई, इससे संबंधित करके हर थ्योरी पर सवाल आ सकता है, ठीक है, प्रभाव का नियम, ठीक। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है कि भाई रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय ए सेटिस्फाइंग सिचुएशन आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड इन सिमिलर सिचुएशन, व्हाइल दोज फॉलोड बाय अनप्लेजेंट सिचुएशन आर लेस लाइकली टू बी रिपीटेड, ठीक है। संतोषजनक परिस्थितियों द्वारा अनुसरण किए गए प्रतिक्रियाओं को समान स्थितियों में दोहराए जाने की संभावना अधिक होती है। अप्रिय परिस्थितियां, अवांछनीय परिस्थितियों द्वारा अनुसरण किए गए प्रतिक्रियाओं को दोहराए जाने की संभावना कम होती है, राइट। इसी सिद्धांत के ऊपर काम करके स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग का पूरी थ्योरी डेवलप्ड है, देखते नहीं हो, रिइंफोर्समेंट है क्या, ठीक। टॉलमैन की थ्योरी में भी कई ऐसे कंपोनेंट, मतलब पार्ट्स, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। इवान पावलोव इज रिनोन्ड, मेरे को लगा रिमूव्ड मैंने के घर से निकाल दिया क्या। इवान पेट्रोविच पावलोव इज रिनोन्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स इन विच फील्ड ऑफ लर्निंग थ्योरी, अपने प्रयोगों के लिए किस सीखने के सिद्धांत के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग, इनसाइटफुल लर्निंग, ठीक है। डन, आसान सवाल एक बार मिल जाए उस पर तो ऐसे बड़बड़ के ऐसा लगता है जैसे फुलटॉस मिल गई हो। पेवलोव का एक्सपेरिमेंट ध्यान है, क्लासिकल कंडीशनिंग ध्यान है, क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब एक लर्निंग प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू एसोसिएशंस बिटवीन एनवायरमेंटल स्टिमुलस एंड ए नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस, राइट। ठीक है, साउंड ऑफ द बेल, सलाइवेशन, हाउ अ न्यूट्रल स्टिमुलस मीन्स बेल कैन बी एसोसिएटेड विद एन अनकंडीशन स्टिमुलस दैट इज फूड टू प्रोड्यूस ए कंडीशन रिस्पॉन्स दैट वॉज सलाइवेशन, ठीक है बेटे, ठीक। अच्छा यार देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, आंसर क्या हो गया इसका, आंसर बताओ जरा, ए या बी? अभी भी इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है बेटे,
अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो सवाल तुम्हें बेटा और भी बहुत लाया था, ठीक है? ठीक हाँ, मतलब ये कहीं खत्म नहीं हो गए, ये कहीं नष्ट नहीं हो गए, नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। बच्चों के एग्जाम है और कल बेटा बोर्ड का पेपर है, ठीक है? बच्चों का बोर्ड का पेपर है कल, ठीक है? तो आई होप आप उनके लिए शुभकामनाओं के साथ मुझे अब शुभ रात्रि विश कर दो, ठीक है? कल करेंगे अब बाकी का काम बेटे, और जरूरत पड़ी तो संडे को करेंगे, संडे को भी करेंगे, ठीक है? अभी मैं छुट्टी मार जाता हूँ ना शनिचर इतवार, ठीक है? चलो बेटे, ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, टेंशन मत लेना किसी भी तरीके की, ठीक है? मैं इसको यहीं पे ऐसे ही सेव कर दूंगा, ठीक है बेटे? चलो गुड नाइट, गुड नाइट, नमस्कार सभी को, ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत, ठीक है।